हेलो टू माय वंडरफुल पीपल आउट देयर, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप? आई होप यू गाइस आर वेल। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बहुत ज़्यादा स्वस्थ होंगे एंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे। अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे, इसके साथ ही साथ खूब सारा पानी पी रहे होंगे। इसके साथ सबसे पहले, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये फिगारो का ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल, इसका रिव्यू। इसके साथ ही साथ जैतून का तेल हमारे लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है या कितना पोर्टेंट है, इस वीडियो में मैं आपके साथ इसकी डिटेल शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, बात करें इस ऑयल के प्राइस की, तो इसका प्राइस है ₹199 यानी ₹199। इसके शेल्फ लाइफ है 2 ईयर्स। एंड ये जो फिगारो ऑयल है, आप इसको स्किन के लिए, बालों के लिए, बच्चों में मसाज के लिए, इसके साथ ही साथ कुकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। जी हाँ, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये सिर्फ स्किन और बालों के लिए यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं। ये जो ऑयल है, आप इसको मल्टीपर्पज़ ऑयल। बात करें अगर जैतून का तेल, जैतून के तेल की, तो जैतून यानी ऑलिव ऑयल, जो कि विटामिन ई पाया जाता है इसमें, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट पाया जाती है इसमें, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। जी हाँ, जनों जो कि पसंद नहीं करता बहुत सारी केमिकल वाले क्रीम्स, लोशन यूज़ करना, लेकिन कहीं ना कहीं स्किन की तो हमारी नीड है कि हम अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करना चाहते हैं, कि मॉइस्चराइज़ करना ज़रूरी। तो ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा आपके लिए, यानी जैतून का तेल। जी हाँ, क्योंकि इसमें विटामिन ई पाया जाता है, तो ये आपकी त्वचा को या फिर आपकी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज़ करता है। ये आप अपने बालों के लिए भी यूज़ कर सकते हो, अपनी स्किन के लिए यानी चेहरे के लिए भी यूज़ कर सकते हो, आप इंटायर बॉडी के लिए यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें विटामिन ई पाया जाता है। तो इस वजह से ये हमारे स्किन के सेल्स को रिपेयर करता है, जो सेल्स टूट जाते हैं, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग या फिर स्किन रिन्यूअल एक बिल्डिंग प्रोसेस है, यानी कि डेली हमारे बहुत सारे सेल्स टूटते हैं, डेली नए सेल्स बनते हैं, लेकिन अगर हम अपने स्किन को उसका पोषण नहीं देंगे तो पुराने सेल्स टूट जाएंगे। एंड नए पुराने सेल्स तो टूटते रहते हैं, लेकिन नए सेल्स का बनना काफ़ी कम हो जाएगा। तो अगर आप विटामिन ई युक्त प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो ये जो प्रोसेस है काफ़ी अच्छा रहता है, तो जिससे आपकी स्किन यूथफुल, ग्लोइंग, स्पॉटलेस एंड एजलेस रहती है। इसके साथ ही साथ अगर बात की जाए मॉइस्चराइजिंग की, तो आप इसको एज ए मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ कर सकते हो? ये जैतून का तेल लेना है, इसमें आपको 1 चम्मच एलोवेरा जेल मिक्स करना है, उसके बाद अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद आपको इसको किसी कंटेनर में रख लेना। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो इसमें 1 चम्मच आप यहाँ पे रोज़ वाटर जरूर से ज़रूर मिक्स करें। अगर स्किन ड्राई है तो आप सिर्फ इसके इसी प्रकार यूज़ कीजिएगा। उसके बाद आप इसको सुबह शाम जब भी आप अपने चेहरे को मॉइस्चराइज़ करना चाहते हो तो इसको यूज़ कर सकते हो। इसके साथ ही साथ आप अपनी स्किन के लिए मसाज कर सकते हो, यानी बहुत अच्छा मसाज के तरीके, मसाज ऑयल के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। तो आपको कैसे यूज़ करना है? रात में सोने के पहले अगर आपको, आपकी स्किन यहाँ पे ऑयली है, तो आपने एलोवेरा जेल मिक्स करना है, रोज़ वाटर मिक्स करना है, उसके बाद इसको मसाज करना है पूरे चेहरे में तकरीबन 5 मिनट के लिए, हफ्ते में 2 बार। उसके बाद 15 से 20 मिनट बाद आपको कॉटन से इसको साफ़ कर देना है। एक बहुत ही खूबसूरत चमकती हुई स्किन आप पाओगे, विश्वास कीजिए। लगातार आप इसको 21 दिन यानी 4 वीक करके देखिए, स्किन में काफ़ी ज़्यादा बदलाव पाएंगे। सेकंड, अगर आपकी स्किन यहाँ पे ड्राई है तो सिर्फ जैतून का तेल एंड आप एलोवेरा जेल मिक्स करके, या फिर सिर्फ आप जैतून का तेल हथेली में लीजिए, रब कीजिए अच्छे से, पूरे चेहरे में अप्लाई कीजिए, उसके बाद मसाज कीजिए 5 से 7 मिनट बाद। उसके बाद कॉटन से साफ करके पानी से चेहरे को वॉश करें, या फिर किसी माइल्ड क्लेंजर से चेहरे को साफ कर दें। विश्वास कीजिए, बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिले। नंबर 3, बहुत अच्छा एक मेकअप को रिमूव करने के लिए एक ये मेकअप रिमूवर है, या फिर आप एक क्लेंजर कह सकते हो। कैसे यूज़ करना? इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है, उसके बाद पूरे चेहरे में अप्लाई करना है अच्छे से, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेकअप वगैरह लगा वहाँ पे पूरे चेहरे में अप्लाई करके, उसके बाद मेकअप रिमूवर वाइप्स ले लेने हैं, या फिर आप कॉटन ले सकते हो, उसमें अच्छे से पोंछ के निकाल लीजिए। देखेंगे कि जो मेकअप आपके फेस वॉश या फिर क्लेंजर से नहीं निकलता है, वो इस ऑयल से निकल जाएगा। तो उसके साथ नंबर 4, बहुत अच्छा एक नंबर 4, इसको आप किसी फेस पैक में मिक्स करके लगा सकते हो। कैसे? आप कोई भी फेस पैक लेते हो, आप कोई भी फेस पैक प्रिपेयर करते हो, उसमें आपको आधे चम्मच जैतून के तेल को मिक्स करके अगर आप अपने चेहरे में लगाते हो,
तो आपकी स्किन को ये रेडिएंट ग्लोइंग रिजुनेट करता है, यानी यूथफुल बनाता है, क्योंकि इसमें विटामिन ई भी है, इसमें स्किन को नरिशमेंट देने की क्षमता भी है, स्किन में नए सेल्स को भी बनाता है। तो ये तो रहे इसके स्किन के बेनिफिट्स, एंड इतने ज़्यादा बेनिफिट्स है कि अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में हम बात करें तो हमारा वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा भी हो सकता है। तो दोस्तों इसको हम बालों के लिए भी कई तरीके यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए डिटेल में मैं फिर कभी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आज का ये हमारा टॉपिक जो मेन इसके यूजेस, इसके साथ ही साथ नंबर फिफ्थ इसका यूज़ है, आप बेबीज यानी बच्चों भी मसाज देने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप सर्दियों में इसको यूज़ कर रहे हो तो आप सिर्फ इस ऑयल से मसाज करिएगा, लेकिन अगर गर्मियों में आप इसको यूज़ कर रहे हो तो आप नारियल तेल में इसको मिक्स करके यूज़ कीजिएगा। दोस्तों इसको मेल एंड फीमेल दोनों लोग यूज़ कर सकते हैं, 12 साल से कम एज वाले बच्चे इसको यूज़ ना करें। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा वीडियो, मेरी जानकारी पसंद है। अगर पसंद है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।